राम राम साथियों। तो आज हम आए हैं अपने कपास के खेत में। लास्ट स्प्रे के बाद में हमने आपको हाइट बताई थी जो कपास की थी, वो कहीं कहीं पे 3 से 4 फीट और 4 से कहीं कहीं पे 5 फीट 5.5 फीट के एवरेज में थी। आप देख सकते हैं अभी मेरे पास जो पौधा है वो सबसे कम हाइट का है। आप देख पाएंगे मेरी कमर की हाइट, मतलब 3 फीट के एवरेज का जो है पौधा है। और इसमें आप देख पाएंगे कि जो झंडुए हैं हमारे यहाँ पर, इन्हें झंडुए कहते हैं या फ्लावरिंग कहते हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हैं। एक ही डाली में, जैसे ये एक डाल निकली है, तो उसमें देख सकते हैं 5 झंडुए और उसके बाद में 2 से 3 फ्लावरिंग अभी बाकी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें जो है फ्लावरिंग भी है और जो है इसके झंडुए भी किस प्रकार से लदे हुए हैं। आप देख सकते हैं नीचे तक जो है इसके जो फ्लावरिंग है वो आई हुई है और कहीं कहीं पे जो है वो लगना भी चालू हो गया। जो कपास है वो खिलना चालू हो गया है। और दूसरा जो पौधा होता है जिसकी हाइट ज़्यादा है वहाँ पर उसकी फ्लावरिंग बताऊँगा, देन जो कपास खिला हुआ है वो किस किस प्रकार से दिख रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। देख सकते हैं आप कहीं कहीं पे जो कपास है वो पीला पड़ने लग गया। पीला पड़ने के साथ साथ उसमें जो है कपास जो है वो खिलना भी चालू हो गया है। आप देख सकते हैं जो कपास खिला हुआ है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इनको गांगड़े कहते हैं, गठन वाला कपास कहते हैं। तो ये क्यों हो जाता है? इसका रीज़न ये होता है कि अभी हाल ही में 3 से 4 दिनों से जो है बारिश का माहौल था और बारिश के माहौल के कारण से जो फ्लावरिंग होती है या जो फ्लावरिंग होती है वो गिरना चालू हो जाती है रात में, अगर फ्लावरिंग मतलब बारिश होती है तो, और बड़ी बारिश होती है तो उसमें फ्लावरिंग और जो झंडवे होते हैं वो गिरते हैं। तो जो झंडवे होते हैं उनको आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ साथ आप बताइएगा कि अगर फ्लावरिंग गिरती है तो क्या ट्रीटमेंट किया जाए। हमने इसमें जो ट्रीटमेंट किया था इसमें वो किया था इसमें पोलोट्रीन और NPK, और आपको हमने बताया था पोलो और जो बाकी के दवाई है वो स्प्रे करी थी। और मैं आपको बताने वाला था कि जो मैक्सिमम हाइट है कपास की वो किस हाइट तक गया है। आप देख पाएंगे मेरे पीछे जो कपास है वो आप देख सकते हैं बड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं हवा के कारण से जो है जो पौधे हैं वो मतलब तिरछे हो गए हैं, लेट गए हैं। उसके बावजूद कहीं कहीं पे जो है आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट के एवरेज में, मतलब 6 फीट के एवरेज में, 5 फीट 5 इंच के एवरेज में पौधा हो चुका। और कहीं कहीं पे आप देख पाएंगे तो जो पौधे हैं वो अप्रोक्स अगर आप देखा जाएगा 6 फीट के एवरेज में पौधे हो चुके हैं। और इस पे आप देख सकते हैं फ्लावरिंग, में आपको बताता हूँ इस पे आप फ्लावरिंग देख पाएंगे। हर जो डाली है उस पर तकरीबन आप देख सकते हैं 3 फूल और 2 जो झंडवे हैं वो दिख रहे हैं। आप शुरू से एंड तक इसमें फ्लावरिंग देख सकते हैं। और जो नीचे अगर आप झंडवे देखेंगे तो हर डाली पे 4 से 5 झंडवे, और साथ साथ में आप देख सकते हैं जो बारिश के कारण जो फ्लावरिंग में डैमेज हुआ है, फ्लावरिंग में नुकसान हुआ है, वो कितना हुआ है आप देख पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग है और काफ़ी अच्छी फिलहाल की कंडीशन में जो है कपास की फसल है। तो अगर आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो नीचे बेल आइकन दिया है उसे प्रेस करके, ताकि जो नए नए वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहें।